हिंदू धर्म के पुराणों में आपने 84 लाख योनियों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या हमारी मनुष्य योनि उन 84 लाख योनियों में से आखिरी योनि है? और यदि ऐसा है तो क्या जीवन और मृत्यु के चक्र से मोक्ष पाने का ये आखिरी मौका है हमारे पास? नमस्कार, आप देख रहे हैं युगों की कथा, युग कथा। अब सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि यदि सचमुच में इस धरती पर 84 लाख योनियों का अस्तित्व है तो क्या एक जीव के लिए यह संभव है कि वो इतनी सारी योनियों में जन्म ले सके? गरुण पुराण में इसका उत्तर है हां। प्रत्येक आत्मा इन्हीं 84 लाख योनियों में भटकती रहती है और इन्हीं में से किसी एक में नया जन्म लेती है। आत्मा अमर है और इसी कारण मृत्यु के पश्चात वह दूसरी योनि में दूसरा शरीर धारण करती है। योनि का अर्थ है नस्ल, जिसे हम अंग्रेजी में स्पीशीज कहते हैं। इस संसार में जितने भी मनुष्य, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े या पशु पक्षी हैं, वे सभी अलग अलग योनि के हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के आधुनिक विज्ञान की मदद से दुनिया भर के जीव वैज्ञानिकों ने कई वर्षों के शोध के बाद ये पता लगाया है कि पृथ्वी पर आज लगभग 87 लाख प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन आज से हजारों वर्ष पूर्व बिना कोई वैज्ञानिक तकनीक के हमारे ऋषि मुनियों ने यह बता दिया था कि पृथ्वी पर 84 लाख योनियां हैं, जो आज की गणना के बहुत नजदीक है। सोचिए कितना बलशाली रहा है हिंदू धर्म का ज्ञान विज्ञान। गरुण पुराण के अनुसार इन 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहने को ही जीवन मरण का चक्र कहा गया है और इन 84 लाख योनियों को पूरा करने के बाद ही एक जीव इस चक्र से मुक्त हो पाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यदि ऐसा है तो ना जाने और कितने जन्म आपको और लेने होंगे। तो गरुण पुराण में यह बताया गया है कि मनुष्य की योनि पाने से पहले हमें 80 लाख योनियों से गुजरना पड़ा है। इसका अर्थ यह है कि हम जिस मनुष्य योनि में हैं, वो अन्य सभी योनियों के कष्टों को भोगने के बाद हमें प्राप्त होती है। मनुष्य योनि वो अंतिम पड़ाव है जहां जीव अपने कई जन्मों के पुण्य के कारण पहुंचता है। इसलिए मनुष्य जीवन को मोक्ष की प्राप्ति का आखिरी और सर्वोत्तम साधन माना गया है। मनुष्यों में किसी भी अन्य जीव जंतु की तुलना में सबसे ज्यादा समझ होती है, जिससे वो यह समझ पाता है कि अब पूरे मन से परमात्मा की आराधना करने का समय आ चुका है। क्योंकि मनुष्य योनि में आने के बाद ही हम में यह चेतना जागती है कि हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। इसके लिए हमें अच्छे कर्म करने होंगे और ईश्वर के मार्ग पर चलना होगा। जो मनुष्य योनि में पहुंचने के बाद भी बुरे कर्म करते हैं, उनकी आत्मा को दोबारा इन 84 लाख योनियों के चक्र से गुजरना पड़ता है और वे एक बार फिर मोक्ष से बहुत दूर हो जाते हैं। दुर्भाग्य से आज की नई पीढ़ी में बहुत से लोग इसे नहीं जानते। यदि वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से जान पाए तो इसे आगे और लोगों से शेयर जरूर करें और उन्हें भी जागृत करें। ऐसी ही और दुर्लभ जानकारियों के लिए युग कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।